हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रायद्वीपी भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। पिछली क्लास में हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियों पर बात किया था, जिसमें हमने लूनी से लेकर के पंबा रिवर तक की पूरा डिस्कशन कर लिया था। आज हम इस पूर्वी किनारे की तरफ जाने वाली नदियों पर बात करेंगे, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और प्रायद्वीपी भारत से निकलती हैं। ये प्रायद्वीपी भारत है। प्रायद्वीपी यानी जो तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ लैंड होता है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो देखिए, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और इधर हिंद महासागर का जो है क्षेत्र है। हिंद महासागर टोटल ही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रीय नाम हैं जो। तो इस प्रकार से इस एरिया से जो रिवर्स निकलती हैं, वो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जाती हैं, क्योंकि भारतीय प्रायद्वीप का जो ढाल है वो पूरब की तरफ है। सबसे पहले हम ढाल को ही समझ लेते हैं इस चीज़ पर, उसके बाद हम नदियों पर बात करेंगे। देखिए, जो ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये दो तरफ को ढाल प्रदर्शित करता है। यहाँ पर नर्मदा की घाटी है, ये नर्मदा भ्रंश है, नर्मदा भ्रंश, और इसके ऊपर जो है विंध्य पर्वत है। आपको हम बहुत बार बता चुके हैं, नर्मदा भ्रंश के बाद में यहाँ पर एक है सोन भ्रंश। ये सोन नदी है, इसको बोलते हैं सोन भ्रंश। टोटल ये नर्मदा और सोन की भ्रंश घाटी कही जाती है। यहाँ से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो प्रायद्वीप है वो टूटा हुआ है। इसके ऊपर का प्रायद्वीप का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, यानी कि यहाँ से जो नदियाँ हैं वो उत्तर की तरफ झुकाव है इसका, इसीलिए उत्तर की तरफ जाती हैं नदियाँ। इधर गंगा यमुना सिस्टम है, लेकिन जो इस भ्रंश के नीचे का प्रायद्वीप है, यानी आप कह सकते हो नर्मदा त्राप्ती भ्रंश के नीचे का जो पोर्शन है, उसका ढाल जो है वो इधर दक्षिण पूरब की तरफ है। यहाँ पर जितनी भी आप नदियाँ देखेंगे वो सब बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जाती हैं। और जो इधर का पश्चिम का एरिया है, पश्चिम के एरिया पर एक ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऊंची से तात्पर्य मेरा यह है कि इधर से ज़्यादा ऊंची है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ये है वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है और जो पूर्वी घाट है वो अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। इसको कम ऊंचा आप इस तरह से दर्शाएं। तो यहाँ पर इधर की तरफ ढलान है, पूरब की तरफ ढाल है। तो पूरा निष्कर्ष ये निकल के आया कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो मेन दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, और वो नर्मदा और जो सोन भ्रंश है वहीं से टूटा हुआ है। तो आप कह सकते हो इसके ऊपर जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी के उत्तर का भाग उत्तर की तरफ झुका हुआ है, जो खास करके आप मालवा पठार के नाम से जानते हैं। तो इधर से जो मालवा पठार से नदियाँ निकलती हैं वो सभी उत्तर के मैदान की तरफ चली जाती हैं, गंगा और यमुना रिवर सिस्टम में जा कर के मिलती हैं, जैसे चंबल, सोन और ये सभी नदियाँ ऊपर आप पढ़े थे। यहाँ जो नीचे का प्रायद्वीप है, नीचे के प्रायद्वीप का भाग जो है मुख्य रूप से दक्षिण पूरब की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए ज़्यादातर जो बड़ी नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जाती हैं। लेकिन दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहने की वजह से वो अरब सागर की तरफ आ जाती हैं, और बाकी छोटी छोटी नदियाँ जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं वो नदियाँ जो हैं अरब सागर की तरफ आती हैं। सिर्फ यहाँ से दो ही नदियाँ हैं जो लंबी दूरी चल करके अरब सागर की तरफ आती हैं, बाकी सभी छोटी छोटी नदियाँ जो वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं वो अरब सागर की तरफ आती हैं। तो अब आपने यहाँ पर यह समझा कि प्रायद्वीपी भारत की जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, चार बड़ी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीप की हैं, वो चारों बड़ी नदियाँ पूरब की तरफ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ, और दो बड़ी नदियाँ जिनको नर्मदा और ताप्ती नाम से जानते हैं वो अरब सागर की तरफ आती हैं। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया है। तो अब देखते हैं कि नदियाँ कौन कौन सी हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, और उनसे हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं उन पर हम बात करेंगे। सारी नदियों के विषय में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर आपको एक एक नदी पर हम डिस्कस करेंगे और उनकी सहायक नदियों पर भी बात करेंगे इस तरह से।
देखिए अब ये जो बंगाल की खाड़ी की तरफ का क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन से प्रदेश पड़ते हैं, किनारे जो तट पे स्थित हैं, पहले आपको वो जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल से शुरुआत होती है, ये पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में उड़ीसा स्टेट समुद्र से टच करता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश और उसके बाद में तमिलनाडु। इतने प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी से हमारे समुद्र तट से लगते हुए प्रदेश हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में उड़ीसा आपका पड़ेगा, ओडिशा, ओडिशा के बाद में आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, बाकी पुदुचेरी एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ता है। इधर हम बात कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ नदियाँ जो हैं वेस्ट बंगाल में आकर के गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो एक्चुअल में वेस्ट बंगाल में जो मुख्य नदी है वो है हुगली। हुगली प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, हुगली जो है गंगा सिस्टम का हिस्सा है, उसको हम पढ़ भी चुके हैं कि वो एक गंगा की भितरिका है और वो हिमालय से आती है गंगा, इसलिए वो प्रायद्वीपीय जो है नदियों का हिस्सा नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हूँ तो वो शुरू होती हैं उड़ीसा से, हालांकि उनमें कुछ नदियाँ वेस्ट बंगाल में भी जाती हैं, हम बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो मुहाने हैं वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो एक नदी है सुवर्ण रेखा। कौन सी नदी पर बात करेंगे? सुवर्ण रेखा पहली नदी हमारी है, सुवर्ण रेखा। देखिए जैसा कि सुवर्ण रेखा नाम से स्पष्ट होता है कि सोने की रेखा, एक झारखंड में रांची के पास में एक जो है गांव पड़ता है, वहां पर पहले कभी माना जाता था कि वहां सोना निकाला जाता था, तो वही क्षेत्र से ये नदी भी निकलती है, इसीलिए इसको सुवर्ण रेखा नाम दिया जाता है, क्योंकि ये सोने की लाइन यानी लाइन ऑफ गोल्ड, स्वर्ण रेखा, उसी से इसका नाम पड़ा है। तो एक्चुअल में ये रिवर निकलती है झारखंड से। अब देखिए झारखंड का मतलब है छोटा नागपुर पठार, ये यहाँ पर आपने देखा छोटा नागपुर पठार का एरिया है जो मुख्य रूप से झारखंड और उड़ीसा छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से प्रमुख रूप से झारखंड में स्थित है। जब हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ रहे थे तो वहाँ इन सब नदियों की बात भी की थी। तो यहाँ से एक दामोदर रिवर है, छोटा नागपुर पठार की एक रिवर है दामोदर नदी। तो जो दामोदर नदी है वो हुगली की सहायक नदी है, वो भी प्रायद्वीपीय नदी है, इसलिए उसका डिस्कशन हम करेंगे। ये एक नदी आप देखते हो दामोदर, ये नदी है दामोदर। दामोदर नदी की विशेषता ये है कि ये, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं छोटा नागपुर वाले पठार वाले चैप्टर में, दामोदर नदी जो है वो गंगा रिवर सिस्टम में जाती है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय नदी है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बेसिकली छोटा नागपुर के पठार को दो टुकड़ों में काटती है, क्योंकि ये भी जो है भ्रंश घाटी में बहती है और छोटा नागपुर पठार को दो भागों में तोड़ देती है। अब जो ऊपर का टुकड़ा है इसका ढाल जो है दूसरी तरफ है, यानी यहाँ बहने वाली नदियाँ जो हैं वो इधर की तरफ जाती हैं और नीचे जो है जो जिधर रांची स्थित है उसका ढाल जो है वो दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो आज जो हम रिवर्स डिस्कस करेंगे वो सब इधर नीचे के पठार से निकलने वाली, यानी हाफ पोर्शन जो है छोटा नागपुर का पठार का उससे निकलने वाली नदियाँ, जिधर रांची का पठार है यहाँ सिंहभूमि भी है, तो यहीं से नदियाँ निकलती हैं। सुवर्णरेखा बैतरणी पढ़ेंगे हम, फिर उड़ीसा में हम जो है बैतरणी है, सुवर्णरेखा झारखंड से निकलने वाली और झारखंड से ही एक ब्राह्मणी रिवर निकलने वाली, उसके बाद हम महानदी पढ़ेंगे आकर के। तो सबसे पहले हमने जो बात की वो है सुवर्णरेखा। दामोदर रिवर हुगली में जाके मिल जाती है, फिर हुगली जो है आपकी एट लास्ट बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो वो गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ ही चुके हैं उसको हम। तो सुवर्णरेखा पे बात करते हैं। सुवर्णरेखा छोटा नागपुर पठार के रांची वाले इलाके से निकलती है इस तरह से, तो पहले ये झारखंड में बहती है, झारखंड के बाद में ये नदी वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है, यानी कि कुछ इसका पोर्शन जो है वो पश्चिम बंगाल में बहता है और पश्चिम बंगाल के बाद में ये फिर उड़ीसा में आ जाती है और उड़ीसा में आकर के ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी है सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा नदी।
तो पहला इसका बिंदु क्या हुआ कि ये नदी निकलती कहाँ से है, तो सुवर्ण रेखा का उद्गम कहाँ है, उद्गम स्थान इसका है झारखंड में। झारखंड में कहाँ, रांची पठार, रांची पठार। देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है पठार का वो रांची पठार का भाग है और वहीं पर सिंहभूमि भी है, रांची राजधानी भी स्थित है। तो रांची वाले पठार वाले हिस्से से सुवर्णरेखा नदी निकलती है और झारखंड से ये फिर कहाँ पहुँचती है, वेस्ट बंगाल। तो झारखंड में रांची पठार से रांची के पास ही जो है एक गांव है, नगड़ी गांव, उसको बोलते हैं नगड़ी या नगरी गांव, या इसको बिस्का भी बोलते हैं, नगड़ी गांव या बिस्का। यहाँ से ये रिवर निकलती है, इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल होते हुए यानी डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल होते हुए ओडिशा, फिर ये ओडिशा में और उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती है रिवर। तो ये रिवर तीन प्रदेशों में बहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, मुहाना इसका ओडिशा में ही है। ये जो सुवर्ण रेखा नदी है, सुवर्ण रेखा नदी पर एक झरना बनता है। देखिए ये जो छोटा नागपुर का पठार है, मान लेते हैं ये इतना एरिया छोटा नागपुर का पठार है, तो छोटा नागपुर के पठार एक ऊंचा हिस्सा है और जो वेस्ट बंगाल है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल एक डाउन पार्ट है क्योंकि वो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो जब भी पठार से नदी मैदान में पहुंचती है तो झरने का निर्माण करती है, सुवर्ण रेखा नदी जो है वो एक झरने का निर्माण करती है, उस झरने को कहते हैं हुंडरू झरना। तो इसी नदी पर जो है हुंडरू प्रपात स्थित है, हुंडरू फॉल जो है वाटरफॉल इसी सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और सुवर्ण रेखा नाम इसका हमने बताया आपको क्यों है, क्योंकि कभी नगड़ी जो विस्का गांव है यहाँ से सोना जो है वो निकाला जाता था, अब भी लोग मानते हैं कि वहाँ पर सोना प्राप्त हो सकता है। तो ये इसके विषय में बस आपको इतना ही जानना है। इसके बाद एक रिवर और है, वो भी जो है इसी छोटा नागपुर पठार के एरिया से ही निकलती है और वो दो नदियों के मिलने से बनती है, झारखंड से वो भी निकलती है। तो देखिए दो रिवर्स निकलती हैं इस तरह से, आप दो रिवर्स मान लीजिए, दो रिवर्स इस तरह से निकल करके ये नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है और इस नदी का नाम है ब्राह्मणी, ये नदी है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी, इसमें संख और साउथ कोयल दो नदियां हैं और ये सिंह भूमि के क्षेत्र में बहती है, यानी कि जो रांची का पठार है उसका एक पोर्शन है सिंह भूमि, उस भाग में ये नदी बहती हुई फिर ये उड़ीसा में आ जाती है और उसके बाद उड़ीसा में ये वेस्ट बंगाल में गिरती है आकर के ब्राह्मणी नदी। तो अगली नदी हमारी है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी का भी छोटा नागपुर पठार ही उद्गम क्षेत्र है, ये दो नदियों के मिलने से बनती है। दूसरी रिवर कौन सी हो गई, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी या ब्राह्मणी दोनों नाम लिखे जाते हैं, ब्राह्मणी ब्राह्मणी। ये रिवर झारखंड से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ है, उद्गम। देखिए पहली चीज़ तो ये दो नदियों के मिलने से बनती है, इस तरह से दो नदियाँ जो है झारखंड से ही निकलती हैं, झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर पठार के रांची वाले क्षेत्र से ही एक नदी है संख, एक नदी संख है और एक नदी है साउथ कोयल, साउथ कोयल नदी। ये दोनों नदियां आकर के आपस में मिल जाती हैं, राउरकेला एक जगह है, फेमस है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पर मिल जाती हैं और फिर बनती है नदी ब्राह्मणी। ये स्थान जो है वो राउरकेला के पास में, राउरकेला एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी के पास में ये संख और साउथ कोयल दो नदियां आकर के मिलती हैं और फिर ब्राह्मणी नदी जन्म लेती है और फिर ब्राह्मणी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है
उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी। तो ये नदी कितने प्रदेशों में बह रही है? ये नदी झारखंड और फिर उसके बाद उड़ीसा, दो प्रदेशों में ये भी नदी बहती है। पहले झारखंड से निकली, उड़ीसा होते हुए ये आ गई बंगाल की खाड़ी में। ये हो गया इसका उद्गम। तो ब्राह्मणी नदी के बस इतना ही आपको जानना है कि कहाँ से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ यानी कौन कौन सी नदियों से मिलकर के बनी और फिर एट लास्ट कहाँ गई। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, इनके विषय में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। इसके बाद एक और छोटी नदी है जिसका नाम है वैतरणी। केंदुझर पठार है उड़ीसा में, कुछ इसका पोर्शन जो है झारखंड में भी बहता है। ये नदी कुछ झारखंड में भी है। ये जो है वैतरणी नदी है, वैतरणी, सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी। तो अगली हमारी नदी है वैतरणी। वैतरणी देखिए, आपके हिंदू धर्म के प्राचीन साहित्य में भी वैतरणी का नाम मिलता है। माना जाता है कि वैतरणी जो है वो पृथ्वी और परलोक जो है उसके बीच में ये नदी है और इसको पार करके ही व्यक्ति जो है दूसरे लोक में पहुंचता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग धरती पे बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वो वैतरणी को नहीं पार कर सकते हैं और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, वो वैतरणी नदी को पार कर जाते हैं। ये ऐसी मान्यता है। तो वही है वैतरणी नदी, ये तो इसको जो है पार नहीं कर सकते, इसीलिए लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो। और हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि मरने से पहले गाय का दान करो, जिससे वो आपको वैतरणी नदी पार करा देगी, जो गाय है, यानी आपको आपके अच्छे कर्म जो है, कहने का तात्पर्य है अच्छे कर्म आपको आगे भी कार्य आते हैं। तो वैतरणी रिवर, ये है वैतरणी रिवर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है केंदुझर पठार से, केंदुझर क्षेत्र है, केंदुझर आपको खनिज में भी पढ़ाएंगे हम, केंदुझर से उड़ीसा, केंदुझर से निकलती है नदी ये, और फिर ये कहाँ जाती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, बंगाल की खाड़ी। कुछ दूर ये बेस्ट उसमें झारखंड में भी बहती है, कुछ दूरी झारखंड में भी। एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा कि ये यहाँ से निकलने के बाद में कुछ दूरी जो है वो झारखंड पे भी बहती है बॉर्डर के पास में। तो इस प्रकार से वैतरणी मुख्य रूप से उड़ीसा की ही नदी है, लेकिन थोड़ा पार्ट इसका झारखंड में आता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ये तीन छोटी नदियाँ हैं, आपको इसलिए जाननी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं क्रम के, कि उत्तर से जब शुरू करेंगे दक्षिण की तरफ तो सुवर्ण रेखा सबसे पहले नदी है, उसके बाद ब्राह्मणी नदी है, उसके बाद वैतरणी नदी है। और ये तीनों ही नदियाँ जो हैं वो दो दो तीन तीन प्रदेशों में बहती हैं। सुवर्ण रेखा झारखंड से निकल के वेस्ट बंगाल जाती है, उसके बाद उड़ीसा में आकर के गिरती है। वैतरणी नदी झारखंड और उड़ीसा में, और ये ब्राह्मणी दोनों जो है झारखंड और उड़ीसा में बहती हैं, और ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही जा कर के गिरती हैं। ये जो वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी के एक तरफ कटक स्थित है और दूसरी तरफ जो है बालासोर स्थित है। तो इस प्रकार से कटक और बालासोर के बीच में ये बॉर्डर का भी काम करती है वैतरणी नदी। यहाँ पर कटक स्थित है, अभी महानदी में, महानदी के किनारे है कटक और बहुत फेमस जगह है। तो ये तीन छोटी नदियाँ हैं। इसके बाद एक बड़ी नदी का नंबर है जो कहलाती है महानदी। महानदी जो है मैकाल श्रेणी से निकलती है, यानी छत्तीसगढ़ के इलाके से, छत्तीसगढ़ की राजधानी के क्षेत्र के पास से ये नदी निकलती है और छत्तीसगढ़ से फिर ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। बहुत प्रमुख नदी है। तो इसके विषय में हम देखें, तीन नदियाँ हमने पढ़ ली। फ्रेंड्स, कुछ स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए एक क्लास में हम पूरा इसको नहीं ले चलेंगे, आधी आज पढ़ लेंगे और आधी को हम दूसरी क्लास में पढ़ लेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा आज। और इसके बाद रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी, तेज़ी से सिलेबस में पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी और वैतरणी हो गई, इसके बाद आते हैं महानदी पर। तो महानदी आपको हमने बताया कि देखिए, ये उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाता है और इसके ऊपर यहाँ पर आपको उड़ीसा के बगल से आपको एक
प्रदेश लगा मिलता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जो पर्वत क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उसको कहते हैं मैकाल। मैकाल से हमने पहले भी आपको बताया था, मैकाल से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। मैकाल से ही नर्मदा निकलती है, मैकाल से ही सोन नदी निकलती है, और मैकाल रेंज से ही जो है महानदी भी निकलती है। तो महानदी कुछ इस प्रकार से है, देखिए महानदी यहाँ मैकाल के क्षेत्र से निकलेगी और छत्तीसगढ़ के बाद में वो उड़ीसा में होते हुए और फिर जो है वो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है। ये है महानदी। महानदी, अब महानदी एक बड़ी नदी है, इसकी हम सहायक नदियों पर भी बात करेंगे और जो जो भी प्रमुख पॉइंट आपके बन सकते हैं। देखिए महानदी नदी होती है और एक महानदी होती है, यानी महा शब्द लगा हुआ है तो कोई महान ही है ना। आपको पता है कि भारत का एक बांध है हीराकुंड, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर ही बनाया गया है और ये बांध जो है वो उड़ीसा के क्षेत्र में पड़ता है। नदी है महानदी। महानदी क्यों है? क्योंकि इसमें हीराकुंड है, हीरे जवाहरात जहाँ पाए जाएंगे तो वो नदी जो है वो महान नदी ही होगी, तो वो महानदी है। और हीरा जो होगा तो उसको लेकर के लोग चाहेंगे कि हम इसको लेके उड़ जाएं, तो इसीलिए उड़ीसा में बांध है। ये लॉजिक नहीं है, ऐसे ही मैंने बताया कि महानदी जो है महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, इसीलिए इसको महानदी कहते हैं। और हीरा है तो वो लोग जो है इसको लेके उड़ जाना चाहते हैं, यानी वो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी कि लंबाई में सबसे ज़्यादा है वो। चलिए महानदी पर बात करते हैं, वो उसका लॉजिक मत समझ लीजिएगा उसे आप कि आप कहें इसीलिए इसका नाम महानदी है, वो मैंने ऐसा ही बताया आपको। महानदी देखिए, अब महानदी कहाँ से निकलती है और कौन कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इस पर बात करेंगे। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, तो महानदी को बना देते हैं। देखिए ये महानदी इस तरह से बना दिया हमने, ये निकली और ये बंगाल की खाड़ी में चली गई। ये यहाँ पे इसके मुहाने हैं और यहीं पर इसका डेल्टा बनता है। देखिए जितनी भी नदियाँ पहले भी हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी में जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ये सब लंबी दूरी से आती हैं और मिट्टी काट करके लाती हैं और यहाँ बंगाल की खाड़ी में किनारे किनारे जमा करती हैं, डेल्टा बनाती हैं, मैदान का निर्माण करती हैं। इसीलिए इधर का जो तटवर्ती मैदान है वो भी चौड़ा है और यहाँ डेल्टा भी पाए जाते हैं। महानदी भी डेल्टा बनाती है। महानदी के डेल्टा पे पारादीप जो है स्थित है, पारादीप बंदरगाह। और इधर जितने भी ज़्यादातर बंदरगाह हैं वो सब कृत्रिम बंदरगाह हैं। ये महानदी हमारी है और ये इसका मुहाना है महानदी। अब देखिए महानदी में कहाँ से उद्गम होता है, तो पहले उद्गम पॉइंट को दर्ज करेंगे। ये है मैकाल। मैकाल सिंहावा पहाड़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ में मैकाल रेंज में ही पड़ती हैं, तो वहीं से ये जो है निकलती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास में ही है ये, वहीं से ये रिवर निकलती है। अब इसमें दोनों तरफ से आ आ करके सहायक नदियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। एक लंबी नदी है, इसमें कई सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो देखिए ये चूँकि इधर की तरफ नदी जा रही है, तो जब इधर की तरफ जा रही है तो ये बायां हो गया और ये हो गया दायां। तो बाईं तरफ से जो सहायक नदियां हैं, यानी उत्तर तरफ से, और इधर दक्षिण वाली जो है दाईं तरफ से। तो इधर से एक नदी आकर के मिलती है पहले शिवनाथ। एक नदी कौन सी ऊपर से आके मिली? शिवनाथ। ये नदी है शिवनाथ, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बाद में एक दूसरी नदी इधर से आकर के मिलती है, जोंक नदी। जोंक नदी वो आई बाएं तरफ से, ये आई दाईं तरफ से, इसमें मिल गई। इसके बाद में इधर से ज़्यादा नदियां हैं, इसमें एक है हसदेव, हसदेव, एक है मंड और एक है इब, इब। तीन नदियां जो है और आकर के मिलती हैं। देखिए शिवनाथ आके मिली, शिवनाथ के बाद में जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है जो दाईं तरफ से जाके मिलती है। इसके बाद तीन नदियां और जो है बाईं तरफ से आकर के मिली, हसदेव, मंड, इब। और जब इब आके मिलती है तब जाकर के यहीं पर जो है एक बांध बनाया गया है, एक डैम। ये है आपका
हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध इसी नदी पर है और ये सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा बांध है। कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा। इनके विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ बात आ गई तो यहाँ पे बता दिया कि हीराकुंड बांध सबसे लंबा है और बना है महानदी पर। इसके बाद में दो नदियाँ आपके फिर से दाई तरफ से जाकर के इसमें मिलती हैं, एक है ओंग। अब इसके बाद ये नदी आकर के इसमें दो नदियाँ और आके मिल गई। इसी नदी के किनारे जो है वो कटक स्थित है, कटक उड़ीसा का एक बहुत फेमस स्थान है कटक, और कटक के आगे ही जा कर के फिर ये नदी अपना जो मुहाना है वो बनाती है और यहाँ पर ये गोदावरी उसका महानदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा। और महानदी के डेल्टा क्षेत्र में ही एक बंदरगाह स्थित है, इसका नाम है पारादीप, पारादीप। पारादीप उड़ीसा का जो है एक बहुत फेमस बंदरगाह है, यहाँ पर स्थित है पारादीप, यहाँ पर महानदी के मुहाने के पास में, और यहाँ कटक मान के चलिए आप। तो कटक के बाद में अपना ये डेल्टा बनाना शुरू कर देती हैं और इसी डेल्टाई क्षेत्र में पारादीप नाम का बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है महानदी पर। आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये जो बंदरगाह है वो किस नदी के मुहाने के आसपास क्षेत्र में स्थित है, तो पारादीप महानदी के क्षेत्र में स्थित है। और इस महानदी के बाद में आप देखोगे यहाँ नीचे आओगे तो आपको चिल्का झील मिलेगी, यहाँ पे चिल्का झील मिल जाएगी। चिल्का झील एक जो है लैगून है, यानी कि समुद्र से इसका खुला हुआ रास्ता है और समुद्र की तरफ से भी पानी इसमें आ जा सकता है। हालांकि झील वाले चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन लोकेशन आपको पता हो गई कि महानदी के दक्षिण में है ये। तो ये है महानदी का पूरा ये कोर्स। अब महानदी जो है लगभग, लंबाई वैसे नहीं पूछी जाती है लेकिन आप अपनी आइडिया के लिए याद रखें, ये लगभग जो है 851, लगभग लगभग 851 किलोमीटर लंबी नदी जो है वो महानदी आपकी है। अब किन किन प्रदेशों से होकर के बहती है, तो अगर बात की जाएगी कि महानदी कौन कौन से प्रदेश से होकर बह रही है, तो आपको हमने बताया कि छत्तीसगढ़ से ये नदी निकलती है और उसके बाद में ये नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये नदी दो प्रदेशों में होकर के बहती है। इस नदी का अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें कि कहाँ कहाँ से इसमें पानी आता है, तो देखिए दो प्रदेश तो हो ही गए। इस महानदी के विषय में आप क्या लिखेंगे, महानदी ये किन किन प्रदेशों में बहती है, तो छत्तीसगढ़, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा। तो अगर महानदी की बात करेंगे, यानी ये जो मुख्य नदी है ये दो ही प्रदेश में बहती है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां आ रही हैं उन सबको अगर मिलाया जाएगा तो इसका अपवाह क्षेत्र डिसाइड होता है, और अपवाह क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में तो है ही, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड के क्षेत्र में भी इसकी सहायक नदियां आती हैं वहां से। तो अपवाह क्षेत्र इसका कहां कहां पे है, अपवाह क्षेत्र, जब अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ तो रहेगा ही, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी आ जाएगी, मध्य प्रदेश में भी, और झारखंड से भी इसमें नदियां आती हैं, झारखंड और उड़ीसा। अब देखिए ये अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है मुख्य नदी तो भले ही वहाँ न जा रही हो लेकिन सहायक नदियाँ यानी उन उन क्षेत्रों से पानी वहाँ पर आता है। तो ये हो गया आपका महानदी। महानदी में इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बाकी हम इन परियोजनाओं पर अलग से चैप्टर करेंगे ही। तो ये हो गया महानदी। अब देखिए महानदी के बाद में एक सबसे प्रमुख नदी है दक्षिण भारत की, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो है गोदावरी। गोदावरी इस सुवर्ण रेखा से लेकर के हम यहाँ जो वैगई नदी तक पढ़ने वाले हैं उन सब में, और इधर जो हम जितनी इधर पढ़ चुके हैं उन सब में सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। तो गोदावरी नदी जो है वो बिल्कुल इस किनारे से निकलती है महाराष्ट्र के क्षेत्र से,
और फिर वो पूरा पठार पार करते हुए इस तरह से आंध्र प्रदेश में जा करके अपना मुहाना बनाती है। ये है गोदावरी, गोदावरी नदी। तो गोदावरी जो है इतनी लंबी नदी है कि इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई की वजह से, इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो अगली हेडिंग है हमारी गोदावरी, महानदी के बाद में गोदावरी। देखिए दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा दो नदियां हैं, दो नदियों को ये शब्द जो है दिया गया है। तो उस पर हम पूरा डिस्कस करते चलेंगे क्यों कैसे कहा गया है, और जैसा आपका प्रश्न आए उस हिसाब से टिक करिएगा। दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। तो अगली हेडिंग है गोदावरी। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो पहले कुछ एक दो पॉइंट लिख लें, फिर हम इसकी सहायक नदियों पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी कितनी है, लगभग 1465 किलोमीटर। इतनी लंबाई होने की वजह से इसकी तुलना गंगा से की जाती है। हालांकि गंगा जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है, उसके बाद में अगर इधर की नदियों में इतनी लंबी नदी और कोई नहीं है, इसलिए इसको गंगा भी कहा जाता है। तो इसको कहते हैं दक्षिणी गंगा, इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो दो पॉइंट ये हो गए। देखिए दक्षिणी गंगा कहने का मतलब इसकी वाटर वाले से मतलब नहीं है कि इसमें गंगा जितना पानी है, गंगा जितना पानी इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ लंबाई की बात है, इसीलिए इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अब ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम क्या है? तो देखिए ये आपका महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो ये नदी महाराष्ट्र के क्षेत्र से निकलती है, फिर महाराष्ट्र से ये आंध्र प्रदेश, पहले तेलंगाना में प्रवेश करती है, तेलंगाना के बाद में ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर आंध्र प्रदेश में आकर के ये बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। तो यहाँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश, इसका टोटल जो है बहाव है। तो ये उद्गम कहाँ से है, उद्गम इसका है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र में ये वेस्टर्न घाट का इलाका है पूरा, यहीं वेस्टर्न घाट के क्षेत्र से ही निकलती है। यहीं पे महाराष्ट्र का आपका नासिक स्थित है, नासिक के पास में एक त्र्यंबकेश्वर नाम का स्थान है, तो त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है गोदावरी, नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर। तो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, महाराष्ट्र आ सकता है या फिर नासिक के पास, नासिक के पास कौन सा स्थान है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। ये त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, ये पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में। जब पश्चिमी घाट हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी आपको बताया था, वहीं से ये नदी निकलती है। और इसके बाद में ये कहाँ कहाँ बहती हैं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से ये नदी जो है तेलंगाना, और तेलंगाना से ये नदी जाती है आंध्र प्रदेश, और फिर जो है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो प्रदेशों की बात की जाए तो ये नदी तीन प्रदेशों में बहती है, मुख्य रूप से गोदावरी नदी। अब अपवाह क्षेत्र की जब बात करेंगे तो फिर इसकी चारों तरफ से आने वाली सहायक नदियां भी किन किन प्रदेशों से आती हैं, वो टोटल इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। तो अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र, तो अपवाह क्षेत्र तीन प्रदेश तो ये होंगे ही, महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महानदी नहीं जाती है, तो जब महानदी के जाने आने की बात की जाएगी तो सिर्फ तीन प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में महानदी का अपवाह क्षेत्र नहीं है यानी ड्रेनेज एरिया, तो जब अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो फिर उसमें नदी के साथ में सहायक नदियों को भी गिना जाता है। तो अब महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तीन तो होंगे ही अपवाह क्षेत्र में, साथ में इसमें मध्य प्रदेश से भी नदियाँ आ करके मिलती हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तब जो है ये तीन प्रदेश इसमें बढ़ जाएंगे। यानी कि कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र से भी नदियाँ इसमें आ जाती हैं पानी, इधर आपका जो है छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से भी इसमें कुछ नदियाँ आ करके, क्षेत्रीय नदियाँ आ करके मिलती हैं, तो ये इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। अब चलिए इसकी सहायक नदियों पर बात करते हैं, पूरा इसका चित्र बनाते हैं कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ इसमें आके जुड़ती हैं। तो इस नदी का जो कोर्स है यानी इसका जो रास्ता है वो कुछ इस तरह से है, त्रयंबकेश्वर को मान लेते हैं यहाँ पे, और इस तरह से ये नदी हम बनाते चले जाएं और ये नदी आपकी आ गई इस तरह से, मुहाना इसका आके बन गया बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। ये है आपकी गोदावरी, ये यहाँ पे आपका गोदावरी का डेल्टा आ गया, गोदावरी का डेल्टा, ये यहाँ पे गोदावरी का डेल्टा यानी मुहाना, गोदावरी का मुहाना यहाँ पे आके बना करके। और ये जो पॉइंट है जहाँ से ये नदी निकली, इस पॉइंट का क्या नाम है, त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र नासिक के पास, ये क्या है त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र, यहीं से जो है ये गोदावरी नदी निकल रही है, गोदावरी। अब इसमें देखिए कौन कौन सी नदियाँ आकर के मिलेंगी किधर किधर से, वो इम्पोर्टेंट है, उन सहायक नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। तो देखिए पहले शुरुआत में चार नदियाँ छोटी छोटी इसमें आके मिलती हैं, वो पहले देख लें शुरू में ही। एक तो है प्रवरा, प्रवरा, भूला और पूर्णा, मंजरा, ये है प्रवरा, प्रवरा, ये है भूला, पूर्णा, मंजरा। यानी शुरुआत में चार छोटी छोटी नदियाँ, देखिए सहायक नदियाँ बहुत सी हैं, सिर्फ हम प्रमुख नदियों पर बात करेंगे। तो ये नदी चूँकि इधर को आ रही है, देखिए ये नदी भी इधर को आ रही है, तो इसका बायां दायां कैसे हो गया, जब इधर को ही मुंह करके खड़े होंगे तो हमारा बायां ही नदी का बायां हो जाएगा, यानी ये बायां और ये दायां हो गया इसका। नदी के बहाव की दिशा में ही आपको अपना मुंह करके खड़े होना होता है, तब आपका बायां दायां नदी का बायां दायां माना जाता है। तो ये बाईं तरफ से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ये नदी बाएँ से आके मिलती है या दाएँ से आकर के मिलती है, तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली बाएँ हैं इधर यहाँ में, तो पूर्णा बाएँ से आकर मिली, तीन नदियाँ जो है दाएँ से आकर के मिली हैं, प्रवरा, भूला, मंजरा और ये पूर्णा। क्रम भी यही है, पहले प्रवरा मिलती है, फिर भूला, फिर वरणा, उसके बाद में मंजरा, उसके बाद में एक प्राणहिता नाम की नदी आकर के इसमें मिलती है, जो कई नदियों के समागम से बनती है। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं वो देखिए, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, ये पूरा एक सिस्टम है। तो उसको देखिए किस प्रकार से नदियाँ हैं, एक नदी है वर्धा, वर्धा, इस तरह से वर्धा नदी है, वर्धा नदी में आकर के मिलती है पेनगंगा, पेनगंगा, फिर इसी में आकर के मिलती है वेनगंगा और फिर ये बन जाती है प्राणहिता, ये नदी क्या बन जाती है प्राणहिता, और ये आकर के इसमें बाईं तरफ से मिल जाती है।
तो वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये सब गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ये मिल करके संयुक्त प्राणहिता धारा के रूप में आकर के मिलती हैं गोदावरी से बाईं तरफ से। कौन कौन सी? वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता, ये नदियाँ भी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए, यहीं पर एक इसमें बांध है, बहुत फेमस बांध है, हालांकि उसके विषय में अलग पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पढ़ना है, कालेश्वर परियोजना। इसी गोदावरी नदी पर एक है कालेश्वर, कालेश्वर परियोजना तेलंगाना। हमने आपको पिछले किसी क्लास में भी इस परियोजना के विषय में बताया था कि ये जो कालेश्वर परियोजना है, ये लिफ्ट इरिगेशन जो परियोजना होती है, यानी कि बहुत गहराई में है ये नदी का पानी जो है वो बहुत गहरे में बहता है, तो इसको लिफ्ट करके यानी इस पानी को ऊपर उठा करके ऊपर सिंचाई के लिए परियोजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। तो ये कालेश्वर परियोजना किस प्रकार की है? वो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, यानी सबसे ऊंचाई तक पानी यहाँ पर उठाया जाएगा, लगभग 600 मीटर यानी आधा किलोमीटर से ऊपर जो है ये पानी ऊपर लाया जाएगा, इस गोदावरी के जल को ऊपर ला करके सिंचाई परियोजना कालेश्वर परियोजना। इसमें करते ऐसा है, देखिए ये पंप सिस्टम पूरा होता है, इसमें जो है चौड़ाई में बनाते हैं पंप, फिर उसमें ऊपर एक सकरा रास्ता बनाते हैं, नदी इसमें प्रवेश करती है, चूँकि ये चौड़ा है इसलिए ज़्यादा पानी इसमें प्रवेश होता है, और फिर ये कम जगह पा करके ऊपर की तरफ प्रेशर से चढ़ता है, यानी कि अगर पूरी नदी में आप पूरा पानी किसी एक रास्ते में उसको मोड़ दें और उसके बाद वो रास्ता सकरा कर दें ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, नदी के वेग की वजह से वो पानी ऊपर की तरफ पंप हो जाएगा, और फिर इसमें पंपिंग सिस्टम इसमें लगाए जाते हैं और जो पानी को ऊपर प्रेशर से फेंकते हैं, और वो टर्बाइन भी इसी में फिट किए जाते हैं जिससे बिजली भी बनती है, और उस बिजली का भी उपयोग इस परियोजना को चलाने में किया जाता है। कालेश्वर के विषय में आप पढ़िएगा, तेलंगाना की परियोजना है, कालेश्वर जो है एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा, तो वो इसी गोदावरी नदी पर है। तो देखिए, आपने देखा कि गोदावरी निकली, इसमें प्रवरा आया, भूला नदी आई, फिर पूर्णा, फिर मंजरा, इसके बाद में वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, ये सब आके मिली। कालेश्वर परियोजना तेलंगाना में स्थित है इसी गोदावरी नदी पर, और इसके बाद में दो और प्रमुख आपको नदियाँ इसमें जाननी हैं, यहाँ पर दो नदियाँ इसमें और बाईं तरफ से आकर के मिल गई, एक है इंद्रावती, छत्तीसगढ़ से इंद्रावती मैकाल रेंज से ही निकलती है, जहाँ से महानदी निकलती है मैकाल से, ये मैकाल का एरिया है, यहीं से जो है इंद्रावती भी निकलती है, तो इंद्रावती जो है मैकाल से छत्तीसगढ़ से निकल के आती है, इसकी सहायक नदी है, और सबरी भी जो है इसी की सहायक नदी है। इसके बाद राजमुंद्री स्थान है, राजमुंद्री स्थान से जो है ये नदी अपना डेल्टा बनाती है राजमुंद्री के आगे, और ये चापाकार डेल्टा बनाती है, किस प्रकार का? चापाकार यानी इस तरह चाप के आकार का डेल्टा, चापाकार डेल्टा। गोदावरी नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? चापाकार डेल्टा। देखिए, डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, चापाकार, पंजाकार, इस तरह से बहुत से होते हैं, तो गोदावरी जो है वो चापाकार डेल्टा बनाती है। किस स्थान के आगे? राजमुंद्री नामक स्थान है आंध्र प्रदेश में, और उसके आगे इसका डेल्टा शुरू होता है बंगाल की खाड़ी में, और जहाँ पर इसका डेल्टा है उसी डेल्टा क्षेत्र में जो है पुदुचेरी का एक क्षेत्र स्थित है। पुदुचेरी भारत में जो है कई स्थानों पर उसके छोटे छोटे स्थान हैं, तो उसमें से एक स्थान आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है वो इसी जो है गोदावरी के क्षेत्र में ही पड़ता है, यहाँ पर गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र में ही पड़ता है, उसको कहते हैं यनम जो है वो पुदुचेरी का एक भाग है। देखिए, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कई स्थानों पर स्थित है, वो आप मैप में देखिएगा, तो यहाँ पर यनम है, यहाँ पुदुचेरी है, माहे है, कराईकल है, कई स्थानों पर जो है वो अलग अलग स्टेट में स्थित है। वैसे तो पुदुचेरी यहाँ पर आपको तमिलनाडु में मिलेगा, चेन्नई के पास में, लेकिन उसका एक भाग जो है आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा एरिया है जो गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में यनम
और इधर केरल में भी आपको पड़ता है माहे, और फिर कराईकल, कराईकल भी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये सब एरिया पुदुचेरी के हैं। तो यनम जो है वो यहाँ पर स्थित है, राजमुंद्री के पास में ही, ये बंगाल की खाड़ी में समुद्र के किनारे ही है। तो इस तरह से ये टोटल जो आपका रिवर है गोदावरी 1465 किलोमीटर लगभग, कितनी है 1465 किलोमीटर लगभग, ये नदी 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ में जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसके बाद में आपकी जो नदी इसके बाद में स्थित है वो है कृष्णा। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब कृष्णा और कावेरी दो प्रमुख नदियाँ बची हैं, और बीच बीच की छोटी नदियाँ उसको हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी मेरा अच्छा नहीं है। तो ये आपका हो गया गोदावरी का कोर्स। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, जब हम यहाँ जो बची हुई रिवर्स हैं गोदावरी के बाद में हम कृष्णा को पढ़ेंगे, और फिर छोटी छोटी और भी नदियाँ हैं बीच की, और एक कावेरी, कृष्णा और कावेरी दो बड़ी नदियाँ हैं, और बाकी जितनी भी छोटी नदियाँ हैं बीच की उन सब पर हम डिस्कस करेंगे। आप करंट अफेयर्स विद कृष्णा चैनल जो हमारा है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वर्तमान के परीक्षाओं का पेपर आप देखिए करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप होता है, और सिविल सर्विसेज के लिए करंट अफेयर्स जो होता है वो जो नॉर्मल करंट अफेयर्स होता है उससे कुछ अलग हटके होता है। उसमें आपको घटनाओं को थोड़ा डिटेल में जानने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और प्रतिदिन उस पर जो है सितंबर माह से मैंने उसको शुरू किया है, तो सितंबर और अक्टूबर चल रहा है, हम जो प्रमुख जितनी भी घटनाएं हैं उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी कवर करते रहेंगे। बाकी जो है आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। धन्यवाद।